खबर भोपाल से। समर्पण क्लब किटी का आरंभ महिला दिवस पर होली मिलन के साथ किया गया। प्रथम आयोजन सपना जोशी अधिवक्ता एवं रीना जैन के द्वारा होटल 9 मसाला एमपी नगर भोपाल में रखा गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती नीता पारे एवं श्रीमती रीना विश्वकर्मा को आमंत्रित किया गया। सभी में समर्पण क्लब को लेकर बहुत ही हर्ष और उल्लास जोश देखने को मिला। किटी में पिंकी ड्रेस थीम रखा गया और सभी गुलाबी परिधान धारण किए हुए दिख रहे थे। सबने होली गीतों पर जमकर नृत्य किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर समर्पण केटी क्लब ने सभी महिलाओं को तुलसी के पौधे उपहार स्वरूप वितरित कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आभार प्रकट करते हुए अधिवक्ता सपना जोशी ने संपूर्ण देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को होली एवं रंगपंचमी की शुभकामनाएं दी। समस्त बहनों से निवेदन किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाड़ी लक्ष्मी बहन योजना चलाई जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस योजना का लाभ महिलाओं को दिलवाएं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। समर्पण क्लब में हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहती हूँ, ना भाषण दूंगी, सिर्फ कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारी सपना जी ने तरह तरह से जो फूल इकट्ठे की हैं आप सब लोगों को, कहीं कोलार से, कहीं अयोध्या बाईपास से, अवधपुरी से, साधनाबाद से, जगह जगह से यहाँ पे जो इकट्ठित करके जो एक बहुत सुंदर सी माला बनाई है, इस माला को हमें हमेशा सजाए रखना है, इसे मुरझाने नहीं देना है। और हम कहते हैं कि हाउस वाइफ हर एक महिला की अपनी क्वालिटी है और हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है, तो हमें इस हर क्वालिटी को आगे बनाना है। इसलिए हमें कंपटीशन किसी से नहीं करना कि मैं भी सिंगिंग करूं, नहीं, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूं। तो हमें जब ये क्लब पैम ने बनाया है और इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हम चलेंगे तो बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, घर को छोड़ के यहाँ आएंगे तो भी समस्याएं आएंगी क्योंकि बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, पति का सबका टाइम हमको मैनेज करना पड़ेगा। पर हम करने के लिए, हमें खुद के लिए, क्योंकि हम बहुत समर्पण दे चुके हैं, अब हम खुद के लिए जिए कर रहे हैं, अब हम खुद के लिए जिए तो थोड़ा सा समय हम अपने स्वयं के लिए भी निकालेंगे। तो इसलिए कुछ चंद लाइन में बोलना चाहती हूँ। रास्ते में, सफर में धूप तो होगी, चल सके तो चल, सफर में धूप तो होगी, चल सके तो चल, भीड़ तो बहुत है, भीड़ बहुत है, भीड़ में सभी है, तू निकल सके तो निकल, भीड़ तो बहुत है, भीड़ में सभी है, तू निकल सके तो निकल। रास्ता कोई नहीं देता यहाँ पर, रास्ता कोई नहीं देता यहाँ पर, तू रास्ता, तू अपने आप को बदल सके तो बदल, तू अपने आप को बदल सके तो बदल, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाब, चंद ख्वाहिश है, हम महिला की ईद होती है, कुछ ख्वाब, चंद ख्वाहिश है, ये सारे खिलौने, इनसे अपने आप को बहला सके तो चल, समर्पण क्लब में ज्वाइन हो सके तो चल। वाह वाह नीता जी, मजा आ गया, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, अगर निकल सके तो चल, वेरी गुड, क्योंकि अगर हम निकलेंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे, एग्जैक्टली, क्योंकि चलने के लिए निकलना बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।